विपक्ष के हमारे साथियों को दिखास की छपास की बहुत इच्छा रहती हो, पर स्वाभाविक है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि देश भी आपको देख रहा है, आपके एक एक शब्द को देश गौर से सुन रहा है। लेकिन हर बार देश को आपने निराशा के सिवाय कुछ नहीं दिया है। और विपक्ष के रवैये पर भी मैं कहूंगा, जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हुए हैं, जिनके बही खाते खुद के बिगड़े हुए हैं, वो भी हमसे हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस अविश्वास प्रस्ताव में कुछ चीजें तो ऐसी विचित्र नजर आई जो न पहले कभी सुना है, न देखा है, न कभी कल्पना की है। सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को बोलने की सूची में नाम ही नहीं था, और पिछले उदाहरण देखिए आप, 1999 में वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, शरद पवार साहब उस समय नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने डिबेट का नेतृत्व किया। 2003 में अटल जी की सरकार थी, सोनिया जी विपक्ष की नेता थी, उन्होंने लीड ली, उन्होंने विस्तार से अविश्वास प्रस्ताव रखा। 2018 में खड़गे जी थे विपक्ष के नेता, उन्होंने प्रोमिनेंटली विषय को आगे बढ़ाया। लेकिन इस बार अधीर बाबू को क्या हाल हो गया, उनकी पार्टी ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। ये तो कल अमित भाई ने बहुत बहुत जिम्मेवारी के साथ कहा कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है, और आपकी उदारता थी कि उनका समय समाप्त तो हो गया था तो भी आपने उनको आज मौका दिया। लेकिन गुड़ का गोबर कैसे करना, उसमें ये माहिर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।